कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम के लिए जब भी सैनिटाइजेशन की बात आती है तब तब हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा का नाम हर किसी को याद आता है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों तथा शिक्षा संस्थानों को प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। संस्थान में सैनिटाइजिंग की उचित व्यवस्था अभी तक कई जगह नहीं हुई है, जिससे अभिभावकों में भी भय है। रविंद्र डोगरा ने बताया कि आईटीआई हमीरपुर के प्रिंसिपल अजय गुलेरिया ने उनसे सैनिटाइजेशन के विषय में बात की थी, जिस पर उन्होंने बुधवार सुबह आईटीआई प्रबंधन के कहने पर वहां पहुंचकर संस्थान को पूरी तरह सैनिटाइज किया। डोगरा ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को देखते हुए हर शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को सैनिटाइजेशन का काम वे निःशुल्क करेंगे और बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइजर मास्क तथा संस्थानों में फुट पैडल हैंड सैनिटाइजर की मशीनें भी निशुल्क स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अगले 4 महीने के लिए दवा व अन्य सामान भी दिया जाएगा, ताकि संस्थान प्रबंधन के लोग समय समय पर सैनिटाइज कर सकें और स्वस्थ रहें। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर के सभी बच्चों व स्टाफ को 170 हैंड सैनिटाइजर, 2 फुट पैड हैंड सैनिटाइजेशन की मशीनें, 10 लीटर सैनिटाइजर रिफिल पैक तथा 10 लीटर स्प्रे भी भेंट किया गया। आज बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर और उनके फ्यूचर को देखते हुए आईटीआई हमीरपुर को हमने सैनिटाइज किया है, और हम ये चाहते थे कि बच्चों में एक डर का माहौल खत्म हो, कि उनकी आईटीआई जो है वो सैनिटाइज है और उसमें वो बैठ के अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने आईटीआई प्रबंधन को वहाँ पे शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 170 बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइजर प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे उन हैंड सैनिटाइजर को यूज़ कर सकें अपनी प्रशिक्षण के दौरान। और आईटीआई के गेट पे और प्रशिक्षण संस्थान के अंदर वाले दरवाजे पे हमने फुट पैडल हैंड सैनिटाइजेशन मशीनें जो इंस्टॉल कर दी हैं, ताकि कोई भी आगंतुक जो बाहर से अंदर आता है वो अपने हाथ सैनिटाइज कर सके और फिर उसके बाद प्रमिसिस के अंदर जाए। और इसके लिए हमारे को प्रिंसिपल अजय कुमार जी ने एक हफ्ता पहले फ़ोन किया था, लेकिन मैं अपने किसी कार्यवश शिमला गया था तो मैं जल्दी आ नहीं पाया, तो आज हमने इस कार्य को पूरा कर दिया है।